हेलो एवरीवन राम राम तो ऑलमोस्ट लाइक लास्ट दो तीन लाइक लास्ट दो दिन से कोई भी ब्लॉग मैंने पोस्ट नहीं किया है तो मैं इतना बिजी थी इतना बिजी थी इतनी सारी लॉन्ग स्टोरीज़ हैं आपको बताने के लिए कि लास्ट दो तीन दिन में यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है सो आई स्टार्ट विद द सैटरडे आज मतलब सैटरडे को ऐसा था कि कल्पेश को ना थाई पे एक छोटा सा बॉयल जैसा कुछ अपेयर हो गया था मतलब काइंड ऑफ अल्सर आप बोल सकते हो तो कल्पेश को बहुत डिफिकल्ट हो रहा था वॉक करने में भी और मतलब दो तीन दिनों से इसके पहले भी था बट हम लोग को लगा कि ठीक है ऐसे ही ठीक हो जाएगा हो जाएगा बट वो नहीं हुआ एंड देन सैटरडे को ऐसे हुआ कि अम, मतलब कल्पेश को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गया कल्पेश को वॉक करने के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी तो हम लोग ने सोचा कि एक बार बस डॉक्टर को दिखा देते हैं क्योंकि प्रॉब्लम ये है कैनेडा में आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी दवाई यहाँ नहीं मिलती है तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था तो कल्पेश के फैमिली डॉक्टर यहीं पे थे हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग वहीं जाएंगे और वहाँ पे जाके बात करके देखते कि आगे क्या होता है तो हम लोग सैटरडे को मॉर्निंग uh, में ही निकल गए थे अराउंड टेन थर्टी और uh, थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे हेल्थ केयर क्या के मतलब जितना भी एक्सपीरियंस मैंने लोगों का सुनाया तो सब लोग बोलते हैं कि यहाँ का हेल्थ केयर इतना अच्छा नहीं है बहुत ज़्यादा वेटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं बट लकीली अराउंड ट्वेल्व थर्टी तक uh, हम लोग का सब कुछ हो गया था तो आ, पहले तो मुझे लगा कि शायद मेडिकेशंस दे के हो जाएगा बट पता नहीं क्यों डॉक्टर एट कि इट्स एन इमरजेंसी आपको इसको इमरजेंसी में ट्रीट करना पड़ेगा इसको ऑपरेट करना पड़ेगा अदरवाइज़ मतलब इसका जो इन्फेक्शन है वो और फैलने का चांसेस है उसके बाद अब ऐसा था कि अब इमरजेंसी है भी तो अब यहाँ मतलब कहाँ अभी तुरंत जाए मैंने डॉक्टर से बात की कि आप रेफ़र कर सकते हो तो इट विल बी इजी फॉर अस बट उन्होंने बोला अगर मैं रेफ़र करूँगा तो ऑलमोस्ट वन मंथ लग जाएगा और मैं इतनी कंफ्यूज थी कि अभी क्या करना है एक्जैक्टली exactly कैसे चीज़ें करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि हमको पता था कि अब कल्पेश ऑफिस नहीं जा पाएंगे तो पहले तो मैंने डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट जो हम ले देते थे मेडिकल सर्टिफिकेट स्कूल में अगर हम लोग को कुछ हो जाता था तो सबमिट करने के लिए तो मैंने डॉक्टर से वो मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा तो डॉक्टर ने मेडिकल सर्टिफिकेट लिख के तो दे दिया फिर बाद में जब हम लोग बाहर आए तो मुझे रिसेप्शन पर पता चला दैट यू नीड टू पे ऑलमोस्ट थर्टी डॉलर फॉर दिस मतलब एक मेडिकल सर्टिफिकेट उसके लिए हम लोग ने यहाँ एटीन हंड्रेड पे किए हैं तो वो मेरे लिए एक थोड़ा सा झटका था कि मतलब हॉस्पिटल में आए हैं और आप ही से क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं है और आप एक ऐसे पोजीशन पे हो कि वो लेटर आप ही लिख के दे सकते हो इट्स नॉट अ फेक लेटर सही है इस इसीलिए ले रहे हैं फिर भी उसके लिए थर्टी डॉलर हम लोग को पे करना पड़ा ठीक है जो कुछ भी था बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, था कल्पेश का उस चीज़ को ट्रीट करना उसके बाद हम लोग घर आए Uh, हम लोग ने यहाँ पे ट्रिलियम हेल्थ uh, केयर है वहाँ पे कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आप मंडे को आ जाइए तो मैंने बोला कि मैंने कल्पेश को यही बोला कि यहाँ के लोगों को इमरजेंसी का मतलब समझ में आता है क्या होता है मतलब अगर किसी पेशेंट को सपोज इन केस अगर यहाँ हार्ट अटैक आ जाए तो अगर वो बोलेंगे मंडे को आ जाओ तो कैसे होगा और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आप बोल रहे हो मंडे को आ जाओ तो मैंने कल्पेश को फिर से कॉल करिए उनको बोलिए इमरजेंसी है तो फिर कल्पेश ने जब दूसरी बार कॉल किया तो किसी और ने शायद कॉल उठाया और फिर जब हमने बात की तो उन्होंने बोला कि ओके आप अभी आ जाइए फिर हम लोग अराउंड थ्री थर्टी ट्रिलियम हेल्थ केयर में गए फिर वहाँ पे जाने के बाद ऑलमोस्ट दो घंटे के बाद मतलब हम लोग को अंदर बुलाया कुछ सर्जन से बात हुई आ, फिर आ, मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि इसको ड्रेन करने की ज़रूरत है एक बार कर देंगे तो मतलब अच्छा है इन्फेक्शन फैलेगा नहीं तो कल्पेश को वहाँ पर थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन हुआ तो उससे कहा जो अल्सर है वो थोड़ा ऊपर की ओर आ गया था तो फिर आ, मैंने डॉक्टर से पूरी बात की सब कुछ किया मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मैं भी एक डेंटिस्ट हूँ जब आप ऑपरेट कर रहे हो क्या मैं यहाँ पे रुक सकती हूँ बट आ, उन्होंने बोला कि नहीं ये उनकी प्रोटोकॉल में नहीं है मैं यहाँ नहीं रुक सकती बट एक चीज़ अच्छी थी उन्होंने Uh, मतलब बिफोर प्रोसीजर मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी उन्होंने सारी चीज़ मेरे साथ एक्सप्लेन की कि उन्होंने क्या किया है कैसे किया है विच इज़ अ गुड पार्ट फॉर मी क्योंकि मुझे पता था एक्जैक्टली exactly क्या हो रहा है बट यहाँ पे ऐसा था मैं अज्यूम करके चल रही थी कि ये सारी चीज़ें लोकल इनस्ट में होगी बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है uh, उन्होंने इस चीज़ के लिए कल्पेश को सडेशन में लिया था तो जब ये चीज़ मुझे पता चली तो मैं थोड़ा सा डर गई क्योंकि uh, घर पे मैंने ये चीज़ किसी को बताई नहीं क्योंकि ये इतना हड़बड़ी में हुआ और जब ये हो रहा था तो यहाँ पे आफ्टरनून थी मतलब इंडिया में तो ऑलमोस्ट सब लोग सो गए थे तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सबको कॉल करूँ एक्सप्लेन करूँ बताऊँ पूछूँ तो जो भी था जो भी डिसीजन था वो मेरे को ही लेना था क्योंकि कल्पेश भी कल्पेश वो सा डर गए थे और जब डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा तो कल्पेश का ये था कि नहीं मुझे इंडिया जाना है नहीं सैक्ट कल्पेश इसके लिए नहीं जा सकते आप टेंशन मतलब हो जाएगा हो जाएगा मैं उनको हिम्मत देती थी बट जब एक्चुअली मैं ऑपरेट करना शुरू किया उनको तो मैं इतना डर गई थी मतलब मुझे लग रहा था अब कैसे मतलब यहाँ से अगर घर जाना है तो मैं कैसे जाऊँगी मुझे यहाँ तक टेंशन हो गई थी कि मुझे ना कल्पेश का कोई भी कार्ड का पिन मुझे याद नहीं है मुझे कुछ भी करना है तो मैं कैसे करूँगी मैं इतना पैनिक हो गई थी और ना ही मेरे साथ मेरा क्रेडिट कार्ड था बट जब ये सारा ऑपरेट करके सब कुछ हुआ बाद में वहाँ ऑलमोस्ट तीन सर्जन्स थे उसमें से एक तो मुझे इंडियन ही लग रहे थे और दो कोई और थे बट उन्होंने एक्सप्लेन किया और फिर बताया कि ऑलमोस्ट टू आवर्स के अंदर अंदर कल्पेश एकदम ओके रहेंगे और डिस्चार्ज मिल जाएगा सो नो वरीज तो मैं तब थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील हुआ और फिर मैं कल्पेश के पास थोड़ी देर जाके बैठी उनसे बात कर रही थी वगैरह वगैरह और कल्पेश बाद में दो घंटे बाद एकदम प्रॉपर बढ़िया था सब कुछ फिर हम लोग बाहर आए आ, मैंने वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं किया बिकॉज़ बिंग अ डॉक्टर ये मेरी ड्यूटी है कि मैं पेशेंट का प्रिवेसी जो है वो मेंटेन करके रखूँ और हॉस्पिटल एक ऐसा प्रेमाइसिस है जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं तो मुझे वो चीज़ सही नहीं लग रही थी कि मैं वहाँ पे अपना ब्लॉग शूट करूँ और बताऊँ आपको कि क्या चल रहा है क्या कर रही हूँ बाद में मुझे कल्पेश ने बोला अगर तू आज का पूरा ब्लॉग शूट करती तो बहुत अच्छा होता बट मैंने बोला नहीं ये एक मतलब बोलते हैं ना इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस अगर आप डॉक्टर होके अगर ऐसे सारी चीज़ें करने लगोगे तो ये सही नहीं है और मैंने कनाडा के हेल्थ केयर के बारे में बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे हुए हैं यहाँ पे बट मुझे हमेशा यही लगता है कि आपका जो भी एक्सपीरियंस है ना वो आप आके शेयर करिए बट आप हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में कुछ भी शूट मत करिए क्योंकि आप शायद इंटेंशनली या कुछ दिखाना नहीं चाहते हो बट जब आप कुछ भी कैप्चर करते हो तो उसमें बहुत सारे जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं वो आए हुए होते हैं और वो सब आ, मतलब शूट हो जाते विच इज़ नॉट गुड है ना आ, तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल और जो भी ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पर आप अवॉइड कीजिए कि आप कुछ भी शूट करें और क्योंकि अभी मैं जिस फील्ड में काम कर रही हूँ रिसर्च फील्ड में वहाँ का तो फर्स्ट रूल ही यही है कि आपको पेशेंट का जो प्रिवेसी है उनका जो डेटा है वो हमेशा मेंटेन करके रखना होता है तो आ, मैंने वहाँ पे कुछ भी कुछ भी मतलब आ, शूट नहीं किया और अभी जो भी कल्पेश के बारे में भी बात कर रही हूँ तो मैंने कल्पेश को पूछा आइए ओके अगर मैं ब्लॉग में आपके बारे में आज बताऊँगी कि आपको एग्जैक्टली क्या हुआ था तो ये सब बोलने से पहले मैं कल्पेश का कंसेंट ऑलरेडी ले चुकी हूँ घर में तो एक मतलब ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए आप अगर हॉस्पिटल में कुछ भी दिखा रहे हो तो मत करिए ऐसा तो मैंने ये सब वहाँ पे तो बिल्कुल भी शूट नहीं किया बट यही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था पूरा और पूरा सैटरडे इस चीज़ में निकल गया मैं ऑलमोस्ट एट थर्टी या नाइन ओ क्लॉक के अराउंड घर आई उसके बाद संडे को मेरा लास्ट मतलब मेरा सबमिशन मेरा प्रोजेक्ट पार्ट वन का लास्ट uh, डेट था और मैं आने के बाद इतनी टायर्ड थी क्योंकि मैं मॉर्निंग से निकली हुई थी और मतलब इतना क्योंकि इधर उधर इतनी सारी चीज़ें हो रही थी ट्रैवल करना और बैक ऑफ द माइंड एक स्ट्रेस और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी फिर आने के बाद खाना वगैरह का देखना था वो सब कुछ किया उसके बाद मैं रात में ऑलमोस्ट दो बजे तक काम कर रही थी क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा था और मुझे पता था कि कल का सिर्फ एक ही दिन है और मंडे मेरा एग्ज़ाम था मंडे मेरा मिड टर्म एग्ज़ाम था तो मुझे उसके लिए भी पढ़ना था और मैं इतना मतलब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था मैं मुझे था कि व्लॉग भी शूट करना है सब कुछ करना है बट मैं मैनेज ही नहीं कर पा रही थी कोई भी चीज़ इसीलिए मैं कुछ लेके नहीं आ पाई फिर मैंने जब मैं संडे मॉर्निंग उठी तो सोचा कि अब आज थोड़ा बहुत पहले कॉलेज का काम कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं व्लॉग शूट करूँगी बट क्या होता है ना जब आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना तो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें भी आप गलत करने लगते हो तो मुझे एक्सेल शीट पे काम करना था प्रोजेक्ट के लिए तो uh, मेरा प्रोजेक्ट इतना बड़ा था मतलब अभी मैं वो फिनिश कर चुकी हूँ लेकिन उसके बारे में बात करना भी मुझे एक ट्रामा लग रहा है अभी तो मुझे एक एक्चुअली में रॉ डाटा दिया गया था और मुझे उसको पूरा एक्सेल शीट में हर टैब को अच्छे से अरेंज करना था सेपरेटली बाद में सारे डेटा को एनालाइज़ करना था सारे ग्राफ्स बनाने थे उन पर कॉमेंट करनी थी बहुत सारी चीज़ें करनी थी मुझे उनको रैंकिंग देना था उनका सेट्स को रिवेलएट करना था बहुत ज़्यादा कुछ लेंदी था और ऑलमोस्ट मेरे पास ऐसे नाइन टैब्स थे तो मुझे नाइन डेटाज़ जो थे नाइन टैब्स ऑफ डेटाज उनको सॉर्ट करना था तो मेरा प्लान था कि मैं पहले एक टेबल सॉर्ट करके रखूंगी और बाद में मैं इसी टेबल को कॉपी पेस्ट कर दूँगी सारे सेल्स में और फिर वैल्यूज चेंज कर दूँगी तो ऑटोमेटिकली सारा डेटा सॉर्ट होना शुरू हो जाएगा बट बैक ऑफ द माइंड ये स्ट्रेस चल रहा था कि मुझे एग्ज़ाम भी कंप्लीट मतलब एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ना है क्योंकि मंडे मेरा मिड टर्म है तो मैंने फ़र्स्ट डेटा तो अच्छी तरीके से सॉर्ट कर लिया अराउंड टू थर्टी मेरा वो फर्स्ट डेटा सॉर्ट हो गया था फिर जब मैंने मतलब मैं जब सेकंड डेटा सॉर्ट करने जा रही थी तो क्योंकि मैंने मतलब जो एक्सेल में काम करते हैं उन्हें पता होगा कि अगर आप सेल्स uh, चेंज कर देते हो तो आपका जो पूरा वैल्यूज़ है वो पूरा चेंज हो जाता है तो मेरा जो डेटा है वो ए वन सेल से चल रहा था मैं आपको अभी बताऊंगी प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके कि क्या मैंने गड़बड़ की तो मेरा जो डेटा था मैं वो ए थ्री से मैंने स्टार्ट किया था और जब मैं उसको कॉपी पेस्ट कर रही थी ना तो इतने स्ट्रेस में मैंने सारा डेटा ए फोर पर पेस्ट करना शुरू कर दिया एंड देन आई रियलाइज़ कि मेरे तो वैल्यूज़ मतलब जो मैं मैं जब क्रॉस चेक कर रही थी तो मेरा जो भी वैल्यू निकल रहा था वो सारा रॉन्ग निकल रहा था तो फिर मुझे लगा कि शायद जो मैंने ये कॉपी कौ, पेस्ट कॉपी पेस्ट का जो ऑप्शन सोचा है ये गलत है मुझे सारा डेटा सॉर्ट करना पड़ेगा और आप सोचिए अगर मुझे एक डेटा को सॉर्ट करने में तीन घंटे लग गए तो ऐसे मेरे पास नाइन टैब्स और हैं और इतने घंटे तो मेरे पास है भी नहीं मुझे रात को दस बजे बारह बजे से पहले ये सबमिट करना है और मैं इतनी पैनिक हो गई आई स्टार्टेड क्राइम और मैंने कल्पेश को बोला मैं नहीं कर सकती इतनी सारी चीज़ें मैनेज चीज़ मेरे मेरे लिए नहीं है पॉसिबल और ऑलमोस्ट चार बज चुके थे मैंने कुछ खाना नहीं खाया था कुछ नहीं किया था और बाद में फिर कल्पेश आके मेरे पास बैठे उन्होंने पहले बोला तो पहले कुछ खा ले फिर उसके बाद अपन मिल करते हैं फिर थोड़ा कुछ खा के फिर जब कल्पेश पास में बैठे तो मैंने मेरा पूरा लैपटॉप उठा के कल्पेश को दे दिया और मैंने कल्पेश को लिटरली बोला कि आज मैं मेरे प्रोफेसर को मेल कर रही हो आई नीड एन एक्सटेंशन क्योंकि आज तक तो मैंने सारे असाइनमेंट हमेशा टाइम पर सबमिट किए बट ट्रस्ट मी पता नहीं क्यों बट कल मेरे पास कुछ भी काम करने के लिए मतलब मुझे नहीं समझ रहा था कहाँ से शुरू करूँ कैसे ख़त्म करूँ एग्ज़ाम के लिए क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बिल्ड हो गई थी मेरा जो लेवल है काम करने का वो ख़त्म हो चुका था और मैं बस इसी वर्ड्स पे पहुंच गई थी कि ठीक है मेरे अगर टेन परसेंट अगर प्रोफेसर कट करेंगे दैट्स ओके बट मैं मेल कर रही हूँ कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए बाद में कल्पेश तू एक काम कर आधे घंटा रेस्ट कर मैं देखता हूँ कल्पेश ने लैपटॉप दिया और मैं आधे घंटे के लिए सोई थी मतलब आधे घंटे का प्लान था और मैं ऑलमोस्ट डेढ़ घंटे बाद उठी और जब डेढ़ घंटे बाद उठी तो तब तक कल्पेश को मेरी मिस्टेक समझ आ गई थी कि मैंने क्या गड़बड़ की है और कल्पेश ने तब तक वो पूरा जो डेटा है वो सॉर्ट करके ए थ्री से पेस्ट करना शुरू किया और जब मैं उठी तो ऑलमोस्ट मेरा जो असाइनमेंट था वो कंप्लीट था मुझे सिर्फ अ, मेरे असाइनमेंट पे थोड़ा सा कमेंट करना था क्योंकि ऑब्वियसली वो कल्पेश को नहीं पता था कि एक्जैक्टली इसमें क्या लिखना होता है बट जो मेरा डेटा है ना वो ऑलमोस्ट सॉर्टेड हो चुका था मतलब मुझे उस चीज़ का टेंशन ही नहीं था मेरे नौ के नौ टैप कल्पेश ने प्रॉपरली अरेंज कर देते बिकॉज उन्होंने वो बराबर से कॉपी पेस्ट किया था और जब मैंने कल्पेश को पूछा कि आपने इसे कैसे किया तरह कि बस आधे घंटे का काम था तो हमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना बहुत ज़्यादा मतलब अभी जिस चीज़ पे फोकस करना है उसको छोड़ के हम आगे के चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं ना तो जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो गलत कर देते हैं और मतलब उस चीज़ में मेरा पूरा दिन चला गया कल का और रात को टेन थर्टी अराउंड मैंने मेरा असाइनमेंट जो है वो सबमिट किया उसके बाद फिर खाना वगैरह खाया तो कल भी मैं मेंटली उस स्टेट में नहीं थी कि मैं ब्लॉग शूट करूं क्योंकि अब मेरे को बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था कल एग्ज़ाम है मिड टर्म है मैंने पढ़ के तो रखा था पहले से ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ा था पढ़ के रखा था लेकिन रिविज़न चाहिए होती है मतलब जब आपका एग्ज़ाम है यू नीड रिविज़न तो अब रिविज़न के लिए तो टाइम ही नहीं था फिर भी मैं इतना सब कुछ होने के बाद मैं कल रात में स्टिल टू तक पढ़ रही थी क्योंकि मुझे पता था कि मतलब मुझे जो मेरा स्कोर है वो कम नहीं करना था मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का जो पॉइंटर है वो बहुत अच्छे से मेंटेन था और मेरे को सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ी सी भी मिस्टेक के कारण उस चीज़ को कम नहीं करना था तो फिर मैंने रात में टू थर्टी तक उसके लिए फिर से पढ़ा आज मॉर्निंग में आज मॉर्निंग से लेके तो फोर ओ क्लाक तक मैं पढ़ ही रही थी बस बीच में खाना खाने के लिए उठी पूरा मतलब मैंने पूरा कंप्लीट किया पाँच बजे मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ लगे मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा मतलब हुआ ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं था मतलब मैं सब कुछ अच्छे से अटैम्प कर पाई तो कुछ ऐसे मेरा पूरा आज का दिन गया और अभी यहाँ पे रात के तीन बज रहे हैं मैं रात के तीन बजे व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम होने के बाद भी मेरा कॉलेज अभी नौ बजे तक मेरा कॉलेज चला उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह खाया साढ़े ग्यारह बज गए थे दोनों फैमिली से घर पे बात की मैंने क्योंकि दो तीन दिन से सारे चीज़ों के कारण बात नहीं हो पाई थी तो अभी एक बजे तक मेरी सबसे बात कंप्लीट हुई एक घंटा मैंने थोड़ा सा और अपना कॉलेज का काम कम्प्लीट किया और मैं बस सोने जा रही थी लेकिन फिर मेरे को बैक ऑफ द माइंड ये हो रहा था कि मैंने तीन दिन से अगर आज भी मैं नई ब्लॉग डालूँगी तो ऑलमोस्ट तीन दिन हो जाएंगे तो है ना मतलब थोड़ा सा पुश करती हूँ खुद को और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी तो फिर मैं बाहर आई कल्पेश अभी अंदर सोए हुए हैं तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट मैं कुछ शूट कर लेती हूँ तो पूरे जो तीन दिन हैं उसमें मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है तो ये जो तीन दिन थे ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक थे और बस मेरे को लेकिन ये तीन दिन में मेरे को एक लेसन बहुत बड़ा मिला है कि बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस लेते हैं ना आगे की चीज़ का कि ये कैसे करूँगी ये कैसे करूँगी तो उस चीज़ में ना हम हमारा जो जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं ना वो बिगाड़ देते हैं तो लेस स्ट्रेस ताकि आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हो ना वो आप जल्दी से फिनिश कर दो और बाकी की चीज़ों पे फिर आप अच्छे से ध्यान दे पाओ तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था तो इस पूरे ब्लॉग में मैंने एक हेल्थ केयर के एक्सपीरियंस के बारे में आपसे शेयर किया है कि कैसा था ओवरऑल जैसा मैंने लोगों के से लोगों से सुना है कि कनाडा का हेल्थ केयर थोड़ा सा मतलब है यहाँ पे प्रॉब्लम ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रॉब्लम है बट हमारे साथ एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर था आ, हो गया लकीली सब कुछ अच्छे से उसके बाद भाई मैंने जो अपना एक्सेल शीट का पूरा कुछ शेयर किया आप लोगों के साथ अभी तो फ़िलहाल मेरे आपको प्रैक्टिकली कल बताऊंगी एग्जैक्टली कि नेक्स्ट ब्लॉग में कि क्या क्या गड़बड़ मैंने एक्सेल शीट के साथ की थी और आज का मेरा एग्ज़ाम कैसे था तो बस ये जो लेसन मिला ये मैंने अभी आप, आप सभी लोगों के साथ शेयर किया तो आप भी इस पर ध्यान रखिए जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं उसको अच्छे से करिए ज़्यादा आगे का स्ट्रेस मत लीजिए तो हो जाएगा सारी चीज़ें आपकी अच्छे से तो बस यही था सब कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा राम राम